गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन माय चैनल मदन मोहन। आज मैं आपको एक सी का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें हम टेबल प्रिंट करवाएंगे। एनी टेबल, कोई भी टेबल हो सकता है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, ये जो मेरे हेडर फाइल होती हैं, इनको बोलते हैं हम हेडर फाइल। हेडर फाइल जो होती है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती है। इट इज़ ए नॉट पार्ट ऑफ अवर प्रोग्राम, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द प्रोग्राम। अब देखते हैं हम, ये आया है मेरा मेन प्रोग्राम, यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये मेरी कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट चलेगी, और ये है मेरा क्लियर स्क्रीन। इसका जो यूज़ होता है, हम स्क्रीन के जो कंटेंट होते हैं उसको क्लियर करवाने के लिए क्लियर स्क्रीन चलता है। नेक्स्ट है, मैंने अगर टेबल प्रिंट करवाना है, मैंने कोई भी फाइव का टेबल, तो देखिए 5 के लिए मैंने ए ले लिया है, 1 के लिए 2, 3 जो इस फॉर्म में आएंगे मेरे, उसके लिए मैंने बी ले लिया है, और जब मैंने 5 1 5 किया है जो रिजल्ट मेरा आया है स्टोर, उसको मैंने सी में स्टोर किया है। तो मैंने 3 वेरिएबल ले लिया है, ए बी सी, जो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करवा रहा हूँ। और आपको पता ही है इंट जो है मेरा, उसके लिए चलता है मेरा परसेंटेज डी, और फ्लोट के लिए चलता है मेरा परसेंटेज एफ, और जो मैंने अगर अक्षर इनपुट करवाने होते हैं उसके लिए चलता है मेरा वेरिएबल डाटा सी। प्रिंट एफ, एंटर द नंबर। अब ये जो प्रिंट एफ है मेरा, ये आपको स्क्रीन में जो भी आपने प्रिंट करवाना होता है उसके लिए चलता है। अब ये मेरा है स्कैन एफ। स्कैन एफ क्यों चलता है मेरा, क्यों चलता है स्कैन एफ मेरा? स्कैन एफ चलता है मेरा यूजर के थ्रू जो हमने इनपुट डलवानी होती है। अब ये मेरा परसेंटेज डी आया है, तो परसेंटेज डी आपको पता ही है, जब मैंने वेरिएबल इंट लिया है तो मेरा परसेंटेज डी चलेगा, और इनवर्टेड कॉमास में कॉमा और एंड ए, इसको बोलते हैं हम एड्रेस ऑपरेटर। अब ये जो टेबल है मैंने 4 के लूप से प्रिंट करवाना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि 4 के लूप में मेरे 3 काउंटर होते हैं। एक होता है मेरा इनिशियलाइज काउंटर, टारगेट काउंटर, और दूसरा और तीसरा होता है मेरा इंक्रीमेंट काउंटर। जब भी मैंने यहाँ से ले लिया बी इक्वल टू 1, ये मेरा स्टार्ट होगा। और ये जो मेरे टेबल में है, जो देखो ये मेरा 5 फिक्स है, 5 जो है मेरा फिक्स है, और रिजल्ट जो है मेरा वो चेंज हो रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 ये जो मेरे नंबर बढ़ रहे हैं। तो मैंने इसको बी लिया, तो मैंने 4 के लूप में बी लिया है, इसलिए कि मुझे बी मेरा 1 से स्टार्ट हो, और वी लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब है कि मेरा बी जो वो 10 पॉइंट तक चले, और बी प्लस प्लस इसमें एक एक करके ऐड हो रहा है। और जब आपका रिजल्ट जो आता है, तो कैसे आता है रिजल्ट, 5 1 5। तो इसी तरह सी की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर स्टोर करवाई है, ए मल्टीप्लाई बी सेमी कोलन, और फिर मैंने यहाँ पे ये ले लिया प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज डी कोमा ए कोमा बी कोमा सी। यहाँ पर एक गलती हो गई है इसमें से, ये परसेंटेज डी स्लैश एन परसेंटेज डी इक्वल टू बी करके आना चाहिए था। यहाँ पे लिख लेना आप ध्यान से दोस्तों, ये इक्वल टू परसेंटेज डी। एक और चीज़ आएगी जो मेरी ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर आएगी, इसको आपने ध्यान से देखना है, स्लैश एन परसेंटेज डी स्टार परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर कोमा ए कोमा बी कोमा सी सेमी कोलन करके। अब ये मेरी जो स्टेटमेंट है प्रिंट एफ की, मैंने ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ली है, और गेट सी एच लास्ट में लगाया है। इसका जो यूज होता है हमारी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए किया जाता है। अगर जब आप गेट सी एच नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन में आप इसकी आउटपुट नहीं देख पाएंगे। अब ये देखो, जब ये मैंने प्रिंट ऑफ ये लगाई है, तो मेरा जो रिजल्ट आया है वो इस फॉर्म में आया है, लेकिन जब आप रिजल्ट इस फॉर्म में चाहते हैं, कैमरा थोड़ा ऐसे करो, जब ये इस फॉर्म में आपको रिजल्ट चाहिए, आउटपुट 1 में जो आई है वो मेरी पिछले क्वेश्चन से आई है, लेकिन जब इस स्टेटमेंट में मैं
चेंज करता हूँ प्रिंट एफ वाली में, इस स्टेटमेंट में पुट करता हूँ ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज डी। पिछली स्टेटमेंट में जब मैंने चेंज किया था तो यहाँ पे परसेंटेज डी 3 आए मेरे, लेकिन जब ये स्टेटमेंट में प्रिंट एफ करूँगा तो मेरे जो आउटपुट है वो हमेशा इस तरह से आएगी। लेकिन ऊपर की प्रिंट स्टेटमेंट भी देखिए, ये स्टेटमेंट जो लगी है इसका रिजल्ट अलग आया है और ये जो है इसका रिजल्ट लग गया है। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है कि मैंने ये स्टेटमेंट लगाई है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर प्रश्न में कुछ गड़बड़ी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और आप सभी लोगों का और मित्रों का धन्यवाद।